हेलो चिल्ड्रेन, इस वीडियो में मैं आज आपको हैंड प्रिंट और फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से एक पिक्चर बनाने के लिए सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्रीन पेपर लिया है। आप चाहे तो कोई भी डार्क कलर का शीट ले सकते हैं, और वाटर कलर या पोस्टर कलर चाहिए। ये मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर लिया है। इसमें से वाइट कलर को लेके पहले अपने हैंड पे लगाना है। इस तरह से पूरे हैंड पे आप लगाइए, या तो आप किसी पॉट में घोल के कलर और ऐसे हाथ डुबो के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये ब्रश से कलर किया है। ये देखिए, मैंने ये पूरा वाइट कलर अपने हैंड पे लगा लिया है। अब इसको इस पेपर पे इस तरह से हैंड का प्रिंट निकालना है। इस तरह से इम्प्रेशन ऐसे हैंड का हो गया। अब इसके ऊपर और रेड और येलो कलर से भी बनाना है। अब ये मैंने येलो कलर लिया है। अब येलो कलर को अपने फिंगर पे इस तरह से लगाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा येलो डालना है, यहाँ पे भी इस तरह से, अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि ये क्या बनेगा। आप लोग तब तक सोचिए किससे क्या बनाने वाली हूँ मैं। येलो कलर डालने के बाद अब मैं यहाँ पे रेड कलर लूंगी और उससे करूंगी। अब ये रेड कलर को भी अपने फिंगर पे लगाना है, और इस तरह से यहाँ पे लगाना है, और थोड़ा सा यहाँ पे और इस जगह पे भी लगाना है। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये क्या बन रहा है। अब रेड कलर करने के बाद येलो कलर से यहाँ पे और यहाँ पे भी ब्रश से बनाना है, या उंगली से भी। इस यहाँ पे तो उंगली से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये एक वर्ड बन रहा है, इसीलिए इसके चोंच बनाने के लिए यहाँ मैंने ब्रश यूज किया है। और इसका ये लेग है। अब उसके बाद ग्रीन कलर लेते हैं। अब ये मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर से ये नीचे इस तरह से बुश बनाएंगे, यानी झाड़ी। ये मैंने यहाँ हेन बनाया है, और ये उसके छोटे छोटे चूजे यानी चिक है, और ये बुश है, झाड़ी है। इस तरह से पूरे
एंड तक यहाँ पे ग्रीन करना है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक लेके इस पे ब्लैक करेंगे। ये ग्रीन कलर से फिंगरप्रिंट से ये बुश या ग्रास जो भी कहें वो बन चुका है। अब इस पे थोड़ा थोड़ा ये ब्लैक कलर लिया है मैंने, ब्लैक कलर से भी इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। ये ग्रीन और ब्लैक से बना दिया है मैंने। अब इसकी ब्लैक मार्कर से आईज बनाएंगे। बस एक सर्कल देना है यहाँ पे, ड्राई हो जाने के बाद इसको बनाएं। और यहाँ बीक अच्छे से पता नहीं चल रही है, इसके लिए भी ये मैंने ब्लैक कर दिया है। अब ये चिक्स जो हैं इनकी भी आईज बनेगी। और उसके बाद इनकी भी चोंच बनाने हैं। ये मैंने रेड कलर लिया है, स्केच पेन लिया है, आप मार्कर भी यूज कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, ये कितनी आसानी से हैं और चिक्स बन गए हैं। ये पिक्चर आप लोग कंप्लीट करिए, इसमें मैंने पोस्टर कलर यूज किया है, आप चाहें तो वाटर कलर यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।